अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आमिर एंड गुड मॉर्निंग। एंड आज एक और नई लेटेस्ट वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सो एज यूजुअल हम सबसे पहले फंडामेंटल चेक करेंगे। आज 11 मई 2022 है और 11 मई 2022 को आज के कौन कौन से फंडामेंटल आने वाले, खास तौर पर यूएसडी, यूरो एंड जेपीवाई के हवाले से हम उसको देख लेते हैं। तो आज सबसे पहले बात की जाए तो आज बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, जिनमें से डॉलर 5:30 के ऊपर कोर सीपीआई है। सीपीआई का मतलब ये होता है इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, महंगाई का बढ़ना। अगर ये इन्फ्लेशन, खासतौर पर ये नंबर पॉजिटिव आते हैं और अच्छे खासे पॉजिटिव आते हैं तो डॉलर में वीकनेस आएगी और इसका मतलब है गोल्ड अप जाएगा, यूरो अप जाएगा, जेबीवाई सेल जाएगा। ठीक है, बिहाव ऑन दिस नंबर कंपेरिजन टू द लास्ट नंबर, ठीक है, तो इन बिहाब पर मुझे लग रहा है कि डॉलर के अंदर वीकनेस आनी चाहिए, जिसकी वजह से मैंने जो सेटअप है वो भी कुछ एज फंडामेंटल के साथ अलाइनमेंट किए हैं। इसके बाद ऊपर 12 बजे रात को एफओएमसी मेंबर की स्पीच जो कि गुजर चुकी है, 11 बजे से पहले पहले यानी 10 बजे करीब जेपीवाई का डाटा आने वाला है, उसके बाद यूरो के डाटा पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट 11, 12, 1 बजे करीब करीब, अगेन जो है वो फिर डॉलर के डाटा पॉइंट्स है, बट इम्पोर्टेंट डाटा पॉइंट्स है सीपीआई। अगर ये हुए वीक तो डॉलर में आएगी स्ट्रेंथ, और अगर हुए ये ज्यादा पॉजिटिव तो डॉलर में आएगी वीकनेस। तो सबसे पहले हम बात करें गोल्ड के हवाले से, तो आप देखो कि गोल्ड के अंदर एक अच्छा खासा जो एलिमेंट है वो डाउन ट्रेंड का चला हुआ था और प्राइस को अच्छा खासा नीचे लेके जाया गया। एक दफा तो प्राइसेस में कंसोलिडेशन करवाई गई बट उसके बाद प्राइसेस को मजीद जो है वो रिकंटिन्यू किया गया इन डाउन ट्रेंड में। H4 के हवाले से अगर हम यहाँ में बात करें तो आप थोड़ा सा यहाँ फोकस करो तो कैंडल ये बता रही है सेलिंग, फिर छोटी कैंडल है, फिर छोटी, यानी कि सेलिंग ड्रॉप आउट होती नजर आ रही है। H4 के हवाले से देखें तो यहाँ पर बायर्स ने एक्टिवेट किया है अपने आप को। H1 के अंदर देखें तो अगेन बायर एक्टिवेट है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये वाला। सो ये पॉइंट ब्रेक होगा, अच्छा ब्रेक कहाँ में होगा ये देखना बहुत जरूरी है, होगा M15 में ब्रेकआउट। सो ब्रेकआउट हमने देखना है M15 में, M15 में यहाँ पर एक आइडियल कैंडल का ब्रेकआउट, उसके बाद प्राइजेस टेस्ट करेंगे और इस तरह पे आकर यहाँ पे होल्डिंग करना स्टार्ट करें। यहाँ पर होल्डिंग करेंगे आपने, उसके बाद बाय करना है और बाय यहाँ से टीपी होगा इसका 1854.516 का। जो बाइंग लेवल है वो है 1840.723 का एसएल है, 1831930 का जो है वो इसका एसएल होगा। US 30 के हवाले से बात करें तो US 30 में भी मुझे एक आइडियल सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है, एक बड़ी सी कैंडल ने तोड़ा है, रिजेक्शन मिली है, जो लेवल था वो था 32373.5 का, यानी 32.33.5 का लेवल था जो कि आइडियल ब्रेकआउट हुआ है। इसकी जो रिटेस्टिंग है वो एक दफा हो चुकी है, बट अगेन होल्ड दिस लेवल ये वाला, प्राइजेस का अगेन इसको टेस्ट करना, यहां से हम सेलिंग करेंगे, होल्डिंग कर टेस्टिंग एंड होल्डिंग देन सेल। एसएल हमारा 3275.12 का हमारा जो है वो एसएल रहेगा। USJPY के हवाले से बात करें तो मैं अगेन यहां बता चुका हूं, फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल अगर डॉलर वीक होता है तो JPY डाउन है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं, लेवल को तोड़ा गया है, सो इसकी रीटेस्टिंग जो है वो ऑलमोस्ट होने वाली है। सो मुझे लग रहा है कि ये एक आइडियल लेवल है जहां से इसको टेस्ट करना चाहिए यहाँ से। सो जो इसका सेलिंग लेवल होगा वो होगा इसका ऑलमोस्ट 130.679 का सेलिंग लेवल है, जो एसएल है वो है 131.246 का इसका एसएल होगा। सो टेस्टिंग M15 में देखेंगे, M15 में टेस्टिंग देखनी है, ठीक है, वजह एक आइडियल ब्रेकआउट है, टेस्टिंग भी कुछ एक यहाँ पर आएगी प्राइसेस, उसके बाद करके डाउन चली जाएंगे, ठीक है।
तो लाजमी आपने इसकी ट्रेड अगर अच्छी मिलती है इन पेयर्स में तो आप लाजमी यूरो के हवाले से बात करें यूरो में, तो यूरो में आप सबसे पहले देखें तो एक आइडियल कंसोलिडेशन है, सबसे पहले अगर देखें आइडियल कंसोलिडेशन, ठीक है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद बात करें तो एक अच्छी खासी एसएल हंटिंग एंड अगेन एसएल हंटिंग, बट मैंने इनसाइड एक लेवल निकाला है जो कि मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट लेवल होगा कुछ इस तरह का। सो प्राइजेस पहले तो करेंगे एसएल हंटिंग, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, एक अच्छी खासी एसएल हंटिंग होगी, उसके बाद इस पर आकर होल्डिंग करें देन आपने बाय करना है। यह हो सकता है कि आपको न्यूज के बाद ट्रेड देखने को मिले, तो आपने यहां से बाय करना। बाइंग लेवल हुआ है 1.05255 का, एसएल है 1.05056 का एसएल बनेगा, तो ये एक आइडियल इसका ट्रेड अपॉर्चुनिटी इसकी आने वाली है। सो ये हमारे पास आज के दिन चार पेयर हैं। ट्रेड लेने से पहले रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। सो ये जो वीडियो है ये एफएक्स फॉरएवर की तरफ से है ताकि आपको एक अच्छी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सके। सबर के साथ जो भी काम किया जाता है वो हमेशा अच्छा होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।